नमस्कार दोस्तों, मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, आज भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से जो है मुलाकात करा रहे हैं। तो हमारे सर जी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसा है। देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के दिए हैं, जो परीक्षाओं के लिए, LT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ये पूछ रहा है कि मतलब ब्यूटीफुल का जो है कंपरेटिव डिग्री क्या होगा। डिग्री आप जानते होंगे कि तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें ब्यूटीफुल को बताना है क्या चीज़, कंपरेटिव डिग्री पूछ रहा है। इसमें देखिए, कंपरेटिव डिग्री पूछ रहा है। पहला ऑप्शन मेरा ब्यूटीफुल है, दूसरा है मोर ब्यूटीफुल, तीसरा है ब्यूटीफुलर, चौथा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। एक बार सोच लीजिए, फिर देखिए विकल्प पर अब बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल बन रहे हैं, दो, ब्यूटी प्लस फुल। अब ये टूट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, शब्द खंड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है ब्यूटीफुल का कंपरेटिव फॉर्म होता है मोर ब्यूटीफुल, अर्थात मेरा पहले का जो है बी वाला विकल्प सही है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। अब इसमें देखिए नियरली पर अंडरलाइन किया गया है। अब नियरली है क्या ये बताना है। पहला विकल्प एडवर्ब ऑफ डिग्री है, दूसरा एडवर्ब ऑफ मैनर है, तीसरा सेंटेंस एडवर्ब है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी इसमें सोचिए कि नियरली है क्या। पहला देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें देखिए नियरली आपका जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर तीसरे सेंटेंस पर आइए, द एडजेक्टिव क्वाड हैज़ द नाउन फॉर्म। यहाँ एडजेक्टिव आपका क्वाड दिया है, पूछ रहा है इसका नाउन फॉर्म क्या होगा। पहला विकल्प क्वाडली दिए हैं, क्वाडोम दिए हैं, क्वाडसम दिए हैं, क्वाडाइज दिए हैं। अब इसका नाउन क्या होगा ये सोचिए। पहला क्वार्डली, क्वार्डम, क्वार्डसम, क्वार्डाइस। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डी वाला विकल्प जो है सही है। फिर चौथे क्वेश्चन पर आइए, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन एंड अदर ईच। कह रहा है इस सेंटेंस में वन एंड अदर जो है क्या है। पहला विकल्प नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा एडवर्ब है, चौथा प्रोनाउन है। तो देखिए ये प्रोनाउन है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए वन एंड अदर दो प्रोनाउन है, तो इसलिए ये कौन सा विकल्प सही होगा, डी। फिर अगले क्वेश्चन पर आइए, विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये पूछ रहा है विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है, दिया है सेंटेंस, सी इज गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग। कह रहा है इसमें विकल्प दिए हैं, एडवर्ब, जीरण, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए अटेंड के पहले टू दिया है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें देखिए एडवर्ब होगा कि जीरण होगा कि इन्फिनेटिव होगा, पार्टिसिपल होगा। तो इस वर्ब के पहले आपका टू दे रखा है, तो इसलिए ये बनेगा क्या चीज़, इन्फिनेटिव बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया है राम रेयरली गोज टू द बाजार।
अब रेयरली पर अंडरलाइंड किया गया है। विकल्प में दिए हैं आपका रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब रेयरली को बताना है क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसमें देखिए क्या बनना है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनना है। क्वेश्चन 6 का जो है सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है इसमें सही है। पहला देखिए दिए ही इंटर्ड इनटू द रूम, बी दिए ही इंटर्ड द रूम, सी दिए ही इंटर्ड इन द रूम, डी दिए ही इंटर्ड टू द रूम। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है आपका, इंटर्ड है। इंटर्ड के साथ जो है किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, बी वाला सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। अब ये कह रहा है पोलाइट में जो है कौन सा प्रीफिक्स जो है लगेगा। इसमें पहला है यू एन, दूसरा है एन ओ एन, तीसरा है इन, चौथा है इम। तो पोलाइट में पहले क्या जुटेगा, अन जुटेगा कि नॉन जुटेगा कि इन जुटेगा कि इम जुटेगा। तो देखिए इम पोलाइट होता है यानी आई एम जुटेगा, पहले जुटेगा। क्वेश्चन नंबर 9, सी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। अब यहाँ देखिए अंडरलाइन किया जा रहा है। अब ये देखिए इसमें बताना है sang और danced कौन सा वर्ब है। इसमें देखिए पहला विकल्प है ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तीसरा वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन रेगुलर वर्ब। अब इसमें देखिए दोनों वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल, फिर पढ़ लीजिए इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। अब पूछ रहा है डिटेल इज, डिटेल है क्या। अब ये पूछ रहा है डिटेल है क्या, विकल्प में है नाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है वर्ब है। तो आपका क्या है, ये नाउन है डिटेल डिटेल। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर, कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है ये बताना है। पहला विकल्प हम दिए हैं 6, दूसरा दिए हैं 7, सी दिए हैं 8 और डी दिए हैं 10। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, 8 है। फिर अगले क्वेश्चन पर आइए। हिज कैरेज वॉन हिम आनर, द वर्ड आनर इज, इस सेंटेंस में आनर पूछ रहा है क्या है, विकल्प में है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि वर्ब है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है आनर है क्या, तो आनर आपका क्या बनना है, नाउन बनना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, कि कौन सा वाक्य जो है आपको पता करना है कि कौन सा वाक्य सही है। पहला है टॉम आई एंड यू एट स्वीट्स, दूसरा आई यू एंड टॉम एट स्वीट्स, सी है आई टॉम एंड यू एट स्वीट, डी है आपका यू टॉम एंड आई एट स्वीट। अब इसमें देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़े होंगे धारा 231, यानी 231 का मतलब होता है 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन।
अब इसमें देखिए विकल्प में इसमें डी सही हो रहा है, सेकंड पर्सन पहले है, तब थर्ड पर्सन है, तब फर्स्ट पर्सन है, यानी विकल्प 13 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेंटेंस इज करेक्ट। पहला है बी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, बी ट्रेवल्ड बाई ए ऑटो, डी दिए हैं वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। तो इसमें कौन सा विकल्प है? पहला सही है मेरा। क्यों सही है? क्योंकि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है और साधन है, सवारी है, तो इसलिए क्या लगेगा इसके पहले? बाई लगेगा। तो मेरा कौन सा विकल्प हुआ? ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इज ए, कह रहा वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, विकल्प है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो देखिए वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज पूछ रहा है, तो देखिए वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, यू के बाद आपका वर्ब क्या दिया है? आर, और वर्ब में क्या दिया है? आई एन जी। इसका मतलब ये क्या बन रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर देखिए गिव द राइट सुफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए ये कह रहा है किंग का जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें पहला विकल्प है एल वाई, दूसरा है डी ओ एम, तीसरा है नेस, और चौथा है ए एन सी ई। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखिए कि कौन सा विकल्प मेरा सही हो रहा है, यानी बी सही होगा, किंगडम हो जाएगा। किंगडम आपका क्या बनेगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखे हैं इट वाज बीटर कोल्ड। अब इसमें करेक्ट क्या है? विकल्प दिए हैं इट वाज कोल्ड बीटरली, दूसरा है इट वाज अवफुल कोल्डली, इट वाज कोल्ड बीटर, इट वाज बीटरली कोल्ड। देखिए बीटर आपका एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया है? एडवर्ब बन गया। अब एडवर्ब बन रहा है तो ये कोल्ड की विशेषता बता रहा है, तो विकल्प मेरा क्या है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमिनाइन फॉर्म फॉर्म ऑफ कॉल्ड इज, कह रहा है कॉल्ड का जो है फेमिनाइन फॉर्म क्या होगा? और कॉल्ट मीन्स होता है आपका, कॉल्ट का मतलब होता है बछेड़ा। अब इसका ये पूछ रहा है जो है फेमिनाइन माने स्त्री लिंग क्या होगा? पहला मेयर, दूसरा है आपका वीच, तीसरा जो है फीली, और चौथा यू। तो इसमें विकल्प सी सही है, फीली। फीली फिर दिए द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म। अब इसमें देखिए अबाउंड दिया है, इसका पूछ क्या रहा है? नाउन। अब इसमें विकल्प ध्यान से देखिए, अबाउंड मेंट होगा कि अबाउंडेंस होगा कि अबाउंडेंस होगा कि अबाउंडेंट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका देखिए क्या बनेगा? एबंडेंस बनेगा। देखिए इसमें ए बी यू एन, इसमें ए बी ओ यू एन, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। अब इन्वेड का पूछ रहा है नाउन क्या होगा, ठीक है? इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, घुस जाना। अब इसका पूछ रहा है नाउन। अब नाउन देखिए पहला विकल्प इन्वेडियन दिया है, इन्वेशन दिया है, इन्वेजन दिया है, इन्वेडमेंट दिया है। अब इसमें देखिए ध्यान से कौन सा सही होगा, तो इसमें देखिए इन्वेजन लिखा है, तो नाउन फॉर्म इसका क्या होगा? इन्वेजन होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।